चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ साथ इस घंटी का बटन भी दबाइए और हमेशा DTHTV गाइड चैनल के साथ रहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं आपके सामने हाजिर हूँ और एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, DD Free Dish का 44 ई ऑक्शन का डेट अनाउंस किया गया है और खुशी की बात यह है, ये जो ई ऑक्शन होने वाला है इसमें सबसे ज़्यादा चैनल पार्टिसिपेट करेगा और सबसे ज़्यादा स्लॉट्स खाली होगा। कितना स्लॉट्स खाली रहेगा और कौन कौन से चैनल भाग लेगा इस ई ऑक्शन में और कौन कौन से चैनल आने की उम्मीद है, ई ऑक्शन का प्रोसेस और प्रोसीड्योर क्या होगा, इस ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का डेट क्या है और ई ऑक्शन का डेट क्या है और जो जो चैनल इस ई ऑक्शन में स्लॉट्स जीतेंगे वो चैनल कब डीडी फ्री डिश पर प्लेस किया जाएगा, इन सारे सवालों का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। यानी कि इस 44 ई ऑक्शन का A to Z इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक ईमेल से जो डीडी फ्री डिश दूरदर्शन यानी कि प्रसार भारती की तरफ से भेजा गया है 28 जनवरी 2020 को। और इस ईमेल में आप चैनल की पीरियड देख सकते हैं का कितने दिन से कितने दिन रहेगा, मैं आपको डिटेल्स में ये पूरा बताऊंगा, वीडियो को देखते जाइए। और ये वीडियो जो भेजा गया है देखिए, आप नीचे देखिए डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन मंडी हाउस नई दिल्ली से और टेलीफोन नंबर भी दिया गया है। और इस ईमेल में 5 डॉक्यूमेंट भेजा गया है, नोटिस फॉर 44 ई ऑक्शन, एप्लीकेशन फॉर्म भेजा गया है और फाइनल रिवाइज जो पॉलिसी है वो भेजा गया है और फर्स्ट एडेंडेड एंड सेकेंड एमेंड फॉर्म भेजा गया है जो रूल्स एंड गाइडलाइंस कह सकते हैं डीडी फ्री डिश के 44 ई ऑक्शन का। तो चलिए हम इस डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके डाउनलोड करते हैं और ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोसीड्योर है, क्या रूल्स है और क्या क्या है इस ई ऑक्शन में। सबसे पहला जो नोटिस है उस पे आप स्क्रीन पे देखिए, नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म सैटेलाइट टीवी चैनल्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ MPEG 2 स्लॉट्स ऑफ DD Free Dish DTH platform for the period from 1st April 2022 31st March 2021 through 44 online e-auction process। और यहाँ पे जो पहला नोटिस है इस पर आप फॉलो कीजिए। यहाँ पे बताया गया है कि 24 फरवरी 2020 e-auction शुरू होगा और उस ई ऑक्शन में जो चैनल स्लॉट्स जीतेगा वो चैनल 1 अप्रैल 2020 से 31st मार्च 2021 यानी कि पूरे एक साल ये चैनल आप देख सकेंगे। तो डीडी फ्री डिश के MPEG 2 स्लॉट्स के लिए जो 44 ई ऑक्शन होने वाला है उसका डेट फिक्स किया गया है 24th फरवरी 2020 को। और दो नंबर नोटिस में आप फॉलो कीजिए, डीडी फ्री डिश के जो स्लॉट्स है उस पर कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, जो अमेंडमेंट वाइड अमेंडमेंट्स नोटिफाइड ऑन 30 यानी कि 30 मार्च 2019 का और 1/11/2019 का है। तो ये जो दो गाइडलाइंस है मैं आपको पहले भी ईमेल में दिखा चुका हूँ कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, 5 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिखाया था, उनमें से ही 2 डॉक्यूमेंट्स है जिसमें गाइडलाइंस और रूल्स रेगुलेशंस दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एडेंडम अमेंडमेंट्स पॉलिसी को भी हम देख लेते हैं, यानी कि जो गाइडलाइन दिया गया है वो भी देख लेते हैं। देखिए MPEG 2 स्लॉट्स के लिए जो गाइडलाइन है, ये टोटल स्लॉट्स है अवेलेबल 80 DD Free Dish का,
80 चैनल का स्लॉट्स अवेलेबल है, उस उनमें से डीडी चैनल के लिए यानी कि प्राप्त देखिए डीडी चैनल लोकसभा राज्यसभा के लिए 37 का स्लॉट्स जो है वो जारी किया गया है। इनमें से डीडी चैनल रहेगा और 3 चैनल स्लॉट्स रहेगा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। और तो यहाँ पे 37 + 3 = 40 हो गया और 80 से 40 माइनस करके जो 40 स्लॉट्स अवेलेबल रहेगा यही ई ऑक्शन के लिए जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक सवाल था कि कितना स्लॉट्स बचा है जिनमें ई ऑक्शन होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर भी आ गया है 40 चैनल का ई ऑक्शन होने वाला है, 40 चैनल स्लॉट्स खाली होगा और उनमें ही ई ऑक्शन होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैनल इस ई ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 नंबर नोटिस में कहा गया है ओनली सैटेलाइट चैनल्स लाइसेंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और एंड ब्रॉडकास्टिंग वुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द एलोकेशन 44 ऑनलाइन ई ऑक्शन प्रोसेस। जी हाँ, सिर्फ वो ही चैनल भाग ले सकते हैं इस 44 ई ऑक्शन में जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। अब चलिए एक नजर डालते हैं चैनल के बुकेट, चैनल कैटेगरी और प्राइस लिस्ट पर। पिछले ई ऑक्शन की तरह यहाँ पे भी ऑल जनरल हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल को बुकेट ए प्लस में रखा गया है और इसका प्राइस जो है 1 साल के लिए फिक्स किया गया है 15 करोड़। और उसके बाद हिंदी मूवीज चैनल को बुकेट ए में रखा गया है और इसका प्राइस लिस्ट फिक्स किया गया है 12 करोड़। ऐसे ही म्यूजिक चैनल, हिंदी म्यूजिक चैनल, हिंदी स्पोर्ट्स चैनल, भोजपुरी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल, भोजपुरी मूवीज चैनल और टेली शॉपिंग चैनल को बुकेट बी में रखा गया है और उसका प्राइस फिक्स किया गया है 10 करोड़ रुपया। उसके बाद हिंदी न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल्स, इंग्लिश न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल्स एंड पंजाबी न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल को बुकेट सी में रखा गया है और उसका प्राइस फिक्स किया गया है 7 करोड़ रुपया। उसके बाद ऑल अदर रिमेनिंग जनरल लैंग्वेज चैनल एंड टेली शॉपिंग रीजनल चैनल्स को बकेट डी में रखा गया है, उसका 6 करोड़ रुपया प्राइस लिस्ट फिक्स किया गया है। यानी कि ये जो बकेट डी है इसमें किसी भी स्टेट का रीजनल लैंग्वेज चैनल, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल को फिक्स किया जाएगा, प्लेस किया जाएगा और उसका प्राइस लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद बकेट R1 जो डिविजनल चैनल के लिए है, योगा आयुर्वेदा हेल्थ एंड वेलनेस आयुष बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल मेथड, ये चैनल यानी कि स्पिरिचुअल चैनल, भक्ति का जो चैनल है उसका प्राइस लिस्ट फिक्स किया गया है 3 करोड़ रुपया। और इस ई ऑक्शन में सारे चैनल भाग ले सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं डिविजनल चैनल, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल, इंफॉर्मेशन चैनल, किड्स चैनल, मूवीज चैनल, म्यूजिक चैनल, न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल और स्पोर्ट्स चैनल और मिसलेनियस चैनल, यानी कि सारे कैटेगरी के चैनल इस ई ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। अब हम एक नज़र डालेंगे डीडी फ्री डिश प्रसार भारती के एप्लीकेशन फॉर्म पर। देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है और यहाँ पे देखिए जनरल और कैटेगरी वाइज चैनल को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद फॉर्म फिलअप करना होगा। तो एक नज़र आप देख सकते हैं, एक नज़र आप देख लीजिए, ये फॉर्म है जिसको फिलअप करके प्रसार भारती के पास भेजना होगा डिमांड ड्राफ्ट के साथ। और आप देख सकते हैं 11 नंबर पे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा कैसे ई ऑक्शन करना है। उसके बाद देखिए नंबर 15 पे इस एप्लीकेशन फॉर्म को कहाँ पे भेजना है उसका एड्रेस दिया गया है। और 16 नंबर पे देखिए बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन दिया गया है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज
18th February 2020, latest by 3 PM, यानी के 18 फरवरी 2020 के अंदर अंदर ही ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने देखा डीडी फ्री डिश के एमपीजी 2 स्लॉट्स के लिए 44 ई ऑक्शन का पूरा ए टू जेड डिटेल्स वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि ई ऑक्शन कब होने वाला है और कैसे होने वाला है, और नया जो चैनल स्लॉट्स जीतेगा वो कब डीडी फ्री डिश पर प्लेस किया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए न्यूज़ अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप सब अच्छे रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, और DTHTV गाइड चैनल के साथ बने रहिए। एंजॉय कीजिए DD फ्री डिश को। नमस्कार।